दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ियां 24 घंटे के अंदर में देखिए चमत्कार। कब से शुरू हो रहा है सावन? सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो कि 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो कि शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। इस बार कुल 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। 22 जुलाई 2024 पहला सोमवार होगा, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन माह में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महा होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरा करती हैं। सावन माह में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मानकर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन माह में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन माह में जरूर करती हैं। दोस्तों सावन माह में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के माह में सभी भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण माह में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सावन माह में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन माह आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन माह में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों माता को एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी आप जरूर भरिए। ये कार्य आपको रोजाना करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों आइए अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागन महिला को ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये सावन माह है, हरियाली का माह है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के माह
में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य है, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन माह में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के माह में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे माह कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के माह में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन माह में इनसे दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन माह में आप थोड़ा वो भी लगाइए। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाइए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाइए। सावन माह में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिए। दोस्तों, सावन माह में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि हर महिला को खास मौकों पर करना भी चाहिए। लेकिन अगर पूरे माह में नहीं कर सकते तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन माह में जरूर पहनिए। देखिए दोस्तों, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती है तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारते हैं, आपके पति को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में सावन माह में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहन कर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहागन, जैसे कि हमने आपको बताया कि सुहाग की सामग्री खरीदिए, बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटिए, पड़ोसियों को बांटिए तथा अपने परिवार में बांटिए। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीदिए और बांटिए। दोस्तों, आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, हाथों में मेहंदी कुंवारी कन्याओं को भी जरूर लगानी चाहिए। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और सावन के माह में माता पार्वती की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मन चाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको भी ये सभी 8 कार्य जरूर करने चाहिए, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही सरल और आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगर आप ये उपाय करेंगे। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी का पौधा देता है ये 7 महत्वपूर्ण संकेत, जान लो वरना जीवन भर पछताओगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पवित्र पौधा है
तो उससे जुड़े ये महत्वपूर्ण नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए, वरना माँ तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो इन नियमों को जरूर जान ले और ध्यान में रखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माँ तुलसी। दोस्तों हिंदू धर्म में शास्त्रों में तुलसी को हरि वल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी को पुराणों में भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। तुलसी एक प्रकार से माँ लक्ष्मी का ही रूप है, इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियाँ घर से दूर रहती है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियम का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी माँ रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पत्रे के अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। कई महिलाएं तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देती है, जिससे तुलसी मैया का अपमान होता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है, घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है, बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसीलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। ये संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। घर पर आने वाला कोई संकट अथवा विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। साथ ही जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली हो तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसीलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और उसके मृत्यु के उपरांत उसे नर्क की यात्रा नहीं करनी पड़ती। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं करते हैं। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वो कभी नहीं सूखता। तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है, तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है, तो इसे आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है, आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकाल कर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटकी में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि नमी बनी रहे। दूसरी बात है तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाएं, तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशगुन माना जाता है। ये संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक ही अशांति और कलेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मैया रूठ जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। तीसरा संकेत है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना। यदि आपके घर में तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो ये शुभ संकेत है। ये संकेत है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी।
यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाता है तो आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है ऐसा समझना चाहिए। जहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है वहाँ के पौधे अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लग जाती है तो ये शुभ संकेत है। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले होना धन के नाश का सूचक है, इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी पर मकड़ी के जाले लगते हैं तो आपका धन चोरी होने की संभावना होती है। पांचवा संकेत है अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है और पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। जितना तुलसी का पौधा सुंदर और हरा भरा दिखाई देगा उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा होगा। अगर घर का वातावरण पवित्र है, घर में अच्छे संस्कारों वाले लोग रहते हैं तो उनका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी माँ आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करेंगी।